नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल्डस्काई और मैं हूं आपके साथ सोनम। ऋचा चड्ढा अपनी आने वाली फिल्म शकीला के कैलेंडर लॉन्च पर पहुंची। ऋचा चड्ढा कुछ यूं आई नजर। ऋचा ने शिमरी पर्पल शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। ऋचा ने ग्लिटरी आईलाइनर के साथ मिनिमम मेकअप किया था, जो ऋचा के ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था, साथ ही उन्हें एक सोबर लुक भी दे रहा था। बात करें फुटवेयर्स की तो ड्रेस से मैचिंग हील ऋचा ने पहनी हुई थी, जो उनके लुक को कम्प्लीट कर रही थी। लाइट वेवी ओपन हेयर्स में बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी ऋचा। एक्सेसरीज में सिर्फ दोनों हाथों में एक एक सिल्वर फिंगर रिंग पहनी हुई है। कुल मिलाकर ऋचा ने अपने आउटफिट को जस्टिफाई किया था। आपको बता दें कि ऋचा अपने आने वाली फिल्म शकीला के कैलेंडर लॉन्च पर पहुंची थी, जहां उन्होंने फिल्म के बारे में मीडिया से बातचीत की और अपने रोल के बारे में भी बताया। ऋचा साउथ की एक्ट्रेस शकीला की बायोपिक में शकीला का किरदार निभाने वाली है और उनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं वेरी टैलेंटेड एक्टर पंकज त्रिपाठी। वैसे अभी तो फिल्म का पोस्टर और कैलेंडर ही लॉन्च हुआ है, जिसने अभी से ही इतनी पॉपुलैरिटी बटोर ली है। अभी तो फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होना बाकी है। शकीला का इंतजार 2019 की शुरुआत से ही होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये मूवी टॉलीवुड में एक जमाने की सुपर कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट्रेस की लाइफ पर बन रही है, जिससे फिल्म के एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर और पूरी टीम को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये फिल्म नॉर्थ में ही नहीं साउथ में भी बहुत अच्छी कमाई कर सकती है। कैलेंडर लॉन्च होते ही लोगों ने शकीला का कंपैरिजन विद्या बालन की डर्टी पिक्चर से करना भी शुरू कर दिया। इससे तो साफ है कि फिल्म का ग्राफ काफी ऊपर जा रहा है। तो चलिए आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कैलेंडर लॉन्च की कुछ और झलकियां और साथ ही ऋचा चड्ढा का ये लुक।